सो हेलो गाइज, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क प्राइमल फियर 100X का गाइज। तो गाइज, आर्क प्राइमल फियर 100X के पिछले एपिसोड में गाइज आपने देखा होगा कि हमने जो ना गाइज यहाँ पे क्या करा था। हमने प्राइमल फियर 100X के पिछले एपिसोड में जो ना गाइज अभी काफी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस वाली जो ना गाइस बॉस फाइट ली थी टायर 6 के बॉसेस के साथ। और गाइस 1 बिलियन गाइस जो हमारा भाई क्लब है ना, 1 बिलियन क्या भाई क्लब का नाम भूल गया भाई, 1 बिलियन डैमेज या फिर 1 बिलियन पता नहीं गाइस, जो भी है गाइस वे क्लब का नाम भूल गया, मैंने खुद ने नाम रखा था और मैं खुद भूल गया गाइस। 1 बिलियन क्लब गाइस, ठीक है ओके। जो हमारा 1 बिलियन क्लब है ना गाइस, उसमें के जो ना गाइस हमने 3 बिलियन डैमेज देने वाले डायनोस को जो ना गाइस 3 अलग अलग बॉसेस से बिठाने का काम पिछले एपिसोड में करा था। और आज के इस एपिसोड में भी जो ना गाइस तुम्हारा भाई यहाँ पे करने वाले काफी ज्यादा खतरनाक वाला काम। आज के इस एपिसोड में भी जो ना गाइस एक और बॉस फाइट यहाँ पे लेना बाकी है, एंड वही बॉस फाइट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। वो बॉस फाइट कौन से गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। टायर 6 का जो ना गाइस एक बॉस अभी तक जो ना गाइस अपन हरा नहीं पाए, एंड वो बॉस है गाइस यहाँ पे आइस वाला कोलोसिस बॉस। और इस आइस वाले कोलोसिस बॉस को जो ना गाइस आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई पेलम पाल देने वाला है। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा गाइस, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है इसी खतरनाक एंड ओबीसी वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर से याद से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइस हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। और गाइस यार 80,000 के काफी ज्यादा नजदीक है यार, हम लोग तो फटाफट सब्सक्राइब करके 80,000 का गोल कंप्लीट कर दूं ना यार मेरे भाई लोग, फटाक से सटाक से। चलो आज का एपिसोड जो ना गाइस बिना किसी देरी के शुरू करके भाई फटाक से बॉस फाइट ले लेते हैं। आपको पता ही है गाइस कि हम जो ना 1 बिलियन क्लब के जो डायनो ना गाइस उन्हें को सिर्फ बॉस फाइट लेने का जो ना मौका दे रहे हैं। अभी सबसे पहले मेरे को जो ना गाइस यहां पे टायर 6 का फाइनल बॉस बनाने दो भाई, ठीक है। एंड अभी मेरे को बताओ 1 बिलियन क्लब का कौन सा डायनो अभी तक बचा हुआ है। ओविस से फाइट नहीं ली ना गाइस अपन ने, अपने पास 2 डायनो बचे, एक तो ग्रिफिन एक तो ओविस। अगर मैं ग्रिफिन से ये फाइट लेता हूँ तो मेरी जो ना गाइस जो बैंड बजेगी ना गाइस, जो बैंड बजेगी आपने जिंदगी में कभी सोची नहीं होगी। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस ओविस से अगर मैं फाइट लेता, ओविस नहीं सॉरी ग्रिफिन से अगर मैं फाइट लेता तो क्या होगा पता है क्या, ग्रिफिन को जो बॉस है ना गाइस वो हवा में स्टन कर देगा और ग्रिफिन जो ना गाइस वो यहाँ पे उड़ नहीं पाएगा गाइस, ठीक है। ग्रिफिन जो ना हवा में उड़ नहीं पाएगा और नीचे जमीन पे गिर जाएगा, एंड गाइस उसको जो ना बैठे बैठे जमीन पे जो ना गाइस वो बॉस फाइट लेनी पड़ेगी। और मैं शायद एक टाइप ऑफ मार सकता हूं, उसके बाद जो ना गाइस मेरा टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस वहां पे हो जाएगा। बट मैं ट्राई कर लेता हूं, चलो अपन अगर ग्रिफिन से मरे ना तो अपन ओविस को लेके आ जाएंगे गाइस, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना, आपकी ना मेरी गाइस ग्रिफिन और ओविस दोनों को यूज करेंगे। अगर मैं ग्रिफिन से एक बार मरा ना तो उसके बाद मैं ओविस से जाके जो ना गाइस जाके फाइट लूंगा। मैं पहले ओविस को और ग्रिफिन दोनों को जो ना गाइस जाके बाहर निकाल के रख देता हूं, ठीक है। ग्रिफिन कहाँ पे, अपना सिलेस्टियल असेंडेड वाला ग्रिफिन चाहिए यार। हाँ ये असेंडेड वाला ग्रिफिन आपको बताइए 1 बिलियन बड़े आराम से दे देता है। और अपनी ओवी जो ना गाइस वो आपको बताइए कि माइनस में डैमेज दे रही है गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम ग्रिफिन को लेके जाएंगे बॉस फाइट करने के लिए, एंड देखते हैं ग्रिफिन जो ना गाइस वो यहाँ पे क्या कर पाता है। एंड गाइस आपको पता है गाइस कि यहाँ पे जो ना शुरुआत हम नोवादर डिस्ट्रॉयर की पेटी बनाने से ही करते हैं हमेशा, तो गाइस उसी से शुरुआत कर लेते हैं। बस मेरे पास 8000 एलिमेंट, बाप रे गाइस कुछ ज्यादा एलिमेंट तुम्हारे भाई के पास नहीं आ चुके गाइस, कुछ ज्यादा ही लिमिट आ चुके मेरे पास। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारा सामान यहाँ पे डाल लेते हैं। फालतू का सामान जो ना जो फेंक देता हूँ, क्योंकि इससे मेरी इन्वेंटरी काफी ज्यादा हैवी हो जाती है यार, ठीक है। शॉटगन के शेल भी फेंक दे गाइस, इतना ज्यादा शॉटगन हो चुका है, मैं क्या बताऊँ आपको भाई। मेटल भी थोड़ा फेंक दे, एंड मेरे हिसाब से अभी सब कुछ ठीक है ना गाइस, उतना ज्यादा कुछ खास सामान नहीं, बस डायनोस ही है बर-बर के मेरे पास। अभी तक मेरे को पता नहीं कि मैंने कितने सारे डायनोस ट्रेम करे गाइस। चलो आ जाओ, नोवा द डिस्ट्रॉयर तो मैंने उठाया नहीं गाइस, नोवा द डिस्ट्रॉयर को मारने का गाइस जो ना गाइस रिवाज है गाइस। कोई भी बॉस फाइट करने से पहले हम पहले अपने जो डायनो का डैमेज है ना गाइस वो नोवा द डिस्ट्रॉयर के ऊपर चेकआउट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। चलो लेट्स गो गाइस, ग्रिफिन को लेके चलते हैं ना। 1 बिलियन वाला आपको डैमेज दिखा देता हूं ना गाइस इसका, क्या बोलते हैं पब्लिक। हाँ 1 बिलियन ऐसे भाई खड़े खड़े मेरे हिसाब से इसका डैमेज जो ना गाइस वो लगभग 900 मिलियन या 800 मिलियन कुछ जा रहा है गाइस। डायबॉम का तो 1 बिलियन ही है। हेलो व्हाट द, क्या हो भाई कितना, हाँ 900 मिलियन जा रहा है गाइस, 900 मिलियन। वो देखो वेट अ मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, ये देखना भाई, ये देखना 950 मिलियन का डैमेज जा रहा है। और अगर पावर अप कर लेते ना उसके बाद तो भाई साहब जा रहा है डैमेज इसका कितना, 1.9 बिलियन, मतलब ये भी 1 बिलियन क्लब का मेंबर है ना भाई। चला जाओ नवाज, एक मिनट रुक जाओ भाई, चैलेंज पूरा भाई के लिए एक चैलेंज है, नवाज डिस्ट्रॉयर को हवा में पेल देंगे भाई, फुल टू बेज्जती इनटू 100 नवाज डिस्ट्रॉयर की, क्या बोलते हो गाइस। हवा में चिप डालेंगे, हवा में डायरेक्ट ले बेटा, ट्रैकर खिला इसको,
मेरी पेटी तो भाई कंफर्म बनने वाली, इसकी पेटी नहीं बननी चाहिए, ट्रैकर खिला देता हूँ। अगर इनकेस में मर गया ना तो भाई वापस अपन पहुँच गया क्या? अच्छा टॉप पे पहुँच गया भाई। नॉर्थ डिस्ट्रॉयर को स्पॉन कर, हवा में चिपेंगे गाइस, हवा में चिपेंगे भाई इसकी अखिया। ए भाई बेइज्जती, भाई साहब गाइस हवा में तीन पटकों में मेरे ग्रिफिन ने नवादा डिस्ट्रॉयर की पेटी बना डाली। बता क्या इज्जत रहेगी भाई तेरी नवादा डिस्ट्रॉयर है। गाइज हवा में फेल डाला हुआ था डिस्ट्रॉयर को मेरे भाई, टीके सिलेस्टियल और भाई डिमोनिक बॉस को हवा में फेलाता मानता हूँ गाइज। वो बस थोड़े से नल ले गाइज अपने सामने, बट नोवा द डिस्ट्रॉयर उसको हवा में फेल दिया भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज हुई गाइज। ये गाइज मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं करा था एंड पहले कभी ऐसा हो भी नहीं पाता, ये 100x है इसलिए जना गाइज यहाँ पे अपन जना गाइज कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है गाइज भाई, ऐसे खड़े खड़े पेल डाला अपन ने। चलो गाइज मैं थोड़ी सी अपनी पावर डाउन कर लेता हूँ एंड अभी जो ना गाइज रुक जाओ, मेरे को स्टैमिना सबसे पहले रिगेन करने दो क्योंकि मैं हवा में रह के जो ना गाइज नीचे बॉस को स्पॉन करूंगा एंड जैसे ही बॉस स्पॉन होगा ना मैं डायरेक्टली जो ना गाइज डाइव बॉम्ब मार के आऊंगा एंड एक डाइव बॉम्ब में तो मरेगा नहीं, उसके 7 बिलियन से भी ज्यादा हेल्थ होगी। सिलेस्ट्रियल अटैक दूंगा मेरा, ठीक है चलो आ जाओ पावर अप कर लेते हैं। बट सिलेस्ट्रियल अटैक की एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या है पता है क्या? उस अटैक में मैं खुद भी स्टन हो जाता हूँ, देख देख क्या कर सकता हूँ। चलो पहले इसको भाई स्पॉन कर लेता हूँ, रेडियो 1 2 3 रुको आ गया लुंडा। अरे गैसा बंटा है, अरे रुक जा इसको हवा में चेप डालो क्या भाई? कोलोसिस बॉस को हवा में चेप दूंगा भाई, बेइज्जती हो जाएगी यार कोलोसिस की। बाप रे, अरे कोलोसिस को हवा में चेप सकता था क्या मैं? अगर मैं और ऊपर से भाई अगर उसको बुलाता तो बस भेज क्या। अरे हेलो हेलो, अरे भाई मुर्गी चाप बन गया भाई अपना ग्रिफिन मुर्गी चाप बन गया गाइज, और साथ में मैं भी भाई। ओके भेज गया क्या? चलो आ जाओ आ जा भाई। किधर गया बॉस? बॉस का सत्यानाशा हो गया क्या? किधर गया? ए कौन रे? ए जाओ रे, क्या रे लाड में आ रहे हो क्या? ये तुम्हारा बॉस गायब हो गया क्या? मेरे को नहीं लग रहा बॉस। अच्छा हो रहा, अब उसको मारू गई अभी मैं भाई, तो भाई समंदर की गहरा में चला गया। ये ले चला जाओ, चला जाओ समंदर की गहरा में, हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ए कौन है मेगलाडन? कौन सी मेगलाडन है? अरे मूर्ख बालिका, रुक जाओ गाइस, ओविस को निकालना पड़ेगा गाइस। पानी के अंदर मैं ग्रिफिन को लेके नहीं जा सकता, उसने जो ना गाइस आपने देखा होगा कि मेरे को कैसे भाई स्टन करा था यहाँ पे। ठीक है भाई ओविस को निकाल। बकरी ओपी है गाइस अपनी बकरी ओपी चेप डालेगी डायरेक्टली, अपनी बकरी कदी ज़्यादा ओपी है भाई। ठीक है आ जाओ इधर। अरे ओविस खतरनाक, चल जरा पानी के नीचे डुबकी मार के आते ना, क्या बोलती? पावर अप कर, पानी में आग लगा देती गाइस अपनी ओविस गाइस। ठीक है भाई, हाँ पील तो मैंने भाई हवा में इसको डाउन करी है गाइज। ग्रिफिन गाइज में जितना भाई थोड़ा सा मतलब समझ रहा था ना, नल्ला है उतना नल्ला नहीं है गाइज भाई। हवा में भी इसकी हवा में इसकी भाई हाफ बिल्ड मैंने डाउन करी थी। अटैक कर सकती है ना बकरी, अपने अटैक तो कर सकती है, बट ये क्या कर पाएगा? क्या ये अपने फ्लायर्स को यहाँ पे पानी के अंदर बुला पाएगा? मेरे को तो नहीं लग रहा भाई। क्या बनता है? क्या बोलती पब्लिक? हैं क्या बोलती पब्लिक? 1.4 बिलियन बेटा, मेरे को नहीं लग रहा तेरे से हो पाएगा। चल तेरे को भाई थोड़ा चांस दूँ क्या? थोड़ा तेरे को चांस दूँ क्या? मेरे को भाई तेरे ऊपर दया आ रही है बेटा, तेरे ऊपर दया आ रही। क्या रे डंकली, क्या डंकली लाड में आ रहा है, लाड में आ रहा है भग भेज क्या डंकली के बच्चे। गाइस इसके ऊपर दया आ रही यार मेरे को गाइस, देखो ना कितना गहराई में आ चुका है भाई चुपचाप। देखो गाइस दया आ रही है गाइस, बट ओ इसने भाई अपने मिनियन बुलाए। देखो गाइस देख रहा मिनियन, इसके मिनियन देखो गाइस। ओ मागो तुरुला, ये कौन है रे? ये कौन है? कौन सी है ये? कौन सी मेगलाडोन यहाँ पे? कलवा की लुंडे आई है गाइस। अल्फा बिल्फा मेगलाडोन मेरे सामने बच्ची है यार, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके मिनियन जो है गाइस पानी के बाहर जो है गाइस उड़ रहे थे, पानी के अंदर इसके मिनियन नहीं आ सकते। ले 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 क्या हुआ इसको? लुसियस बैठ बच गई तेरी, इसको बुक्का मारूंगा गाइस भाई, खतरों का खिलाड़ी बनेगा गाइस, बुक्का मारेगा गाइस। चैलेंज लेता बुक्का मारेगा इसको मैं भाई, बुक्का मारेगा गाइस। रुक जाओ वेट अ मिनट भाई, जाना मेगलाडोन मारे जाओ भेज गया। अभी क्या हुआ, खा लिया क्या मैंने? लग रहा है मैंने मेगलाडोन को खा लिया ना, थोड़ा गेम हाई हो गया। हाँ गाइस रुक जाओ, बुक्का मारेगा मैं, बुक्का मारने के चक्कर में ये ना चली जाए कहीं पे। हाँ ठीक है गाइस, बुक्का मारेगा, पार्ट से बुक्का शॉट। ये ले बुक्के बॉयस, क्या करेगा रे, क्या करेगा भेज गए? चलने कलना आपके मिनियन को बुलाएगा, तेरे मिनियन क्या करे बता? पानी में क्या करेंगे तेरे मिनियन? आज यार डल्लो कुछ ना कर, भेज के पूछा कर रहे यार, पीछा कर रहे यार वो भिजवा। अभी तेरा ही सहारा है भाई, किधर है ओविस? ये बकरी अपनी, अरे भाई अरे किधर जा रही है? मेरे को तो बिठा, ओ बुक्का मारने के चक्कर में मेरी बहन बच गई यार। अबे क्यों भाई, अब बेचा
कुछ अलग तुड़ुक जाप करने के लिए चला जाता, वो भी इसको भाई ट्रैकर खिला रखा है क्या मैंने? मेरे को खुद पता नहीं यार, मेरे को लग रहा है मैंने ओविस को ट्रैकर नहीं खिला रखा है। वन बिलियन क्लब के किसी और मेंबर की आप भाई मदद ले क्या, जो पानी के अंदर भाई एकदम खतरनाक तरीके से पेलम पाल दे सकता है? और ऐसा एक ही मेंबर है आपको बताएगा इस वन बिलियन क्लब में जो पानी के अंदर जा सकता है गाइस, किंग ऑफ द सी। अच्छा बेटा, अच्छा अभी किंग ऑफ द सी क्या, अब मास्टर ऑफ द सी, सॉरी मास्टर ऑफ द सी। आ जाओ गाइस, और कोई नहीं है गाइस जो पानी के नीचे गाइस उसको पेलम पाल दे सकता है गाइस, या अकेला ही दे सकता है क्योंकि पानी के नीचे जाने वाला एक ही डायनो है, वो है गाइस ये अपना कछुआ भाई, या अकेला ही पानी के नीचे जा सकता है। देखो गाइस, ये अकेला ही पानी के नीचे जा सकता है, इसके अलावा और कोई पानी के नीचे नहीं जा सकता। और गाइस पानी के नीचे अपन ओविस को लेके जा तो सकते हैं, बट गाइस ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओविस जो ना गाइस उसके नीचे ऊपर से अगर ऐसे उतर जाएंगे ना तो डायरेक्टली वो आसमान में वापस से रिटर्न जाने लगती है, बड़े कछुआ नहीं जाने लगता, कछुआ जो ना एक ही जगह पे रुके रहता है भाई, जो कि काफी अच्छी बात है। रुक जाओ कहाँ पे भाई, मेरे को ओविस को बचाना है यार, ओविस रही है भाई, ओविस जी, अरे ओविस जी को पहले बचाओ, पहले ओविस जी को बचाना है भाई। हाँ भाई ठीक है, ओविस को बचा लिया, चलो भाई पानी के नीचे चलो, सीधा नीचे गाइस। ये जो ना बॉस गाइस अभी बस भाई कुछ टाइम का मेहमान है भाई, ठीक है चलना। क्या रे पानी के नीचे उंगली कर रहा है क्या तू, पहाड़ी के नीचे उंगली कर रहा है भाई, ठीक है भाई, ठीक है बग बेस क्या भाई, इसे मर क्या गाइस खत्म भाई, कछुए ने पहाड़ी के नीचे गई जिसकी तो हवा टाइट कर दी गाइस फुलटू, ये देखो गाइस हो भाई। और भाई पहाड़ी के अंदर उड़ते हुए ग्रिफिन देखे गाइस कभी अपने प्राइमल फियर में? ये ग्रिफिन देखना पानी के अंदर उड़ने वाले गाइस, ये देखो पानी के अंदर उड़ने वाले ग्रिफिन्स भाई, वाह भाई वाह, पानी के अंदर उड़ने वाले डायनोज। एंड ये रे गाइस उसकी भाई अपने बॉस की जो ना गाइस डेड बॉडी गाइस, ठीक है इसको क्रायो कर ले भाई, वो इसके इन्वेंटर में कुछ होगा ना, एलिमेंट रॉकेट लॉन्चर एंड और कुछ नहीं है भाई, रॉकेट लॉन्चर मिल गया फाइनल बॉस को मारने से, और 300 एलिमेंट मिले भाई, काफी बढ़िया गाइस काफी बढ़िया। ये देखो गाइस डेड बॉडी भाई, फुल टू बैड बजा के रख दी गाइस बॉस की, देख रहे हो भाई, तो भाई पहाड़ी के अंदर पूरा का पूरा मतलब जमीन के अंदर पूरी वो हो चुकी है गाइस बॉडी भाई, पूरे अंदर चली गई गाइस समंदर में भाई, सभा गई गाइस इसकी बॉडी, खतरनाक। लेकिन ये बॉस फाइट करने में जो ना गाइस सच में काफी ज्यादा मजा आया गाइस, अंडर वाटर बॉस फाइट हुई गाइस आइस वाले कोलोसस के साथ, ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। ऐसा भाई कोई भी बॉस फाइट जो ना गाइस अंडर वाटर पहले अपनी कभी हुई नहीं थी। अभी हम क्या कर लेते हैं, बॉस को मारने से कुछ खतरनाक से रॉकेट मिले मेरे को, वो जो ना गाइस फटाक से यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ, उनकी पावर्स व्यवर्स आपको दिखा देता हूँ। मेरे को हमको गाइस बॉस को मारने से जो ना गाइस यहाँ पे मिला ये आइस वाला रॉकेट एंड ये कुछ मेडालियन, ये मेडालियन जो ना गाइस बॉस फाइट करने के काम आएगा, लास्ट वाली जो बॉस है ना गाइस उसको बनाने के लिए हमको ये सारे मेडालियन जो ना गाइस जिसकी जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है वेट अ मिनट, ये फालतू का सामान फेंकने दो गाइस, ठीक है ये फालतू का सामान फेंकने दो, ये यहाँ पे डाले दो, यहाँ पे डाले दो, और ये सोल जो है ना गाइस ये इसके अंदर डाले दो, क्योंकि भाई अगले एपिसोड में हम किसी ना किसी डिमोनिक डायनो को जो है ना गाइस इसे इवॉल्व करने का काम कर लेंगे गाइस, ठीक है चलो आ जाओ। अभी हम क्या कर लेते हैं गाइस, अभी फटाक से जो ना गाइस जो आइस वाले रॉकेट लॉन्चर है ना गाइस वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सारे के सारे रॉकेट लॉन्चर इसके पहले वाले भी आपको दिखा दिए थे कि क्या क्या कर सकते हैं, अभी आइस वाले रॉकेट लॉन्चर भी क्या कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ। ओ क्या कम पड़ रहा है भाई, आइस फेदर कम पड़ रहे, ओके ठीक है, आइस वाले रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए भी आइस फेदर की जरूरत होती है, बट वो फेदर्स मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो फिलहाल के लिए जो ना गाइस बस 6 रॉकेट जो ना गाइस वो यहाँ पे बन चुके हैं, तो देख लेते हैं गाइस कि 6 रॉकेट का जो ना गाइस यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, और ये जो ना गाइस रॉकेट की स्पेशल पावर का है। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हमने आइस वाले कोलोसस को मारा है, तो आइस वाले कोलोसस को मारने के बाद जो रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे वो तो गाइस यहाँ पे आइस वाला जो है ना गाइस शायद कुछ फ्रीजिंग अटैक ही देंगे गाइस और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है देखना गाइस। ओ मेरे को भी स्टन कर दिया, ये देख रहा हूँ ये रॉकेट लॉन्चर मेरे को पता है गाइस, ये जो ना गाइस अपन को भी स्टन कर देता है, और वहाँ पे जो भी डायनो होगा ना उसको स्टन करके मार देता है गाइस, इसका भी 60,000 का डैमेज पड़ता है, देख रहे हो ये देख रहे हो क्या भाई फुल टू भाई, ऐसा भाई छोटा सा आइस का एक तूफान जो है ना गाइस वो क्रिएट करने का काम ये रॉकेट लॉन्चर जो है ना गाइस वो करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक है। डोपी रॉकेट लॉन्चर होते वेट अ मिनट, मैं जो ना गाइस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल जो है ना गाइस यहाँ पे किसी पावरफुल से डायनो के ऊपर करना चाहूंगा, इसको स्टन करके रख दूंगा, यहाँ पे करूँ क्या ब्लड ब्लू स्टॉकर, ए ब्लड स्टॉकर, अगले एपिसोड में ब्लड स्टॉकर टेम गाइज, ब्लड स्टॉकर टेम हो गया समझ लो गाइज, लेट्स गो ब्रो। फ्रीज कर डाला गाइज, फ्रीज करके हर एक डायनो को चेप डाला वहाँ पे, 78,000 का कंटिन्यूस फ्रीजिंग, वो देखो फ्रीज हो चुका है, ये देखो कौन फ्रीज हो गया, ये देखो क्या इसका नाम, ये देखो गाइज यहाँ पे फ्रीज हो गया था गाइज, ये देख रहे हो ये छोटू मोटू सा जो फ्रॉग है ना गाइस ये यहाँ पे इस बर्फ वाले अटैक के कारण जो है ना गाइस फ्रीज हो गया था, मेरी तरह जैसे मैं फ्रीज हुआ था ना वैसे ये वाला भी फ्रॉग जो है ना गाइस फ्रीज हो गया था। रुक जाओ वापस से आपको दिखाता, वापस से दिखाता, अगर मैं यहाँ पे मारता हूँ
तो ये पैरेट्स तो स्वाह हो जाएंगे यार, फ्रीज हो जाएंगे क्या? मर गए भाई, फ्रीज हो गए मर भी गए अगर मैं वहाँ पे अगर अभी चला जाता हूँ तो। क्या मेरी भी भाई हालत, ओके मैं भी फ्रीज हो जाऊँगा गाइस, मैं हवा में डायरेक्टली फ्रीज हो गए जो ना गाइस नीचे गिराओ भाई। अरे इफेक्ट खत्म, ओके नाइस वन गाइस। ये रॉकेट जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा कूल है गाइस। वैसे कैसे लगे गाइस हमारे ये रॉकेट बताओ मेरे को। एंड गाइस खास करके जो हमारे अंडर वाटर वाली बैटल है ना गाइस, वो आज आपको कैसी लगी ना गाइस वो मेरे को नीचे कमेंट मार के जरूर से बता देना। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक आइस और कॉस्टिक वाले रॉकेट दिखाए थे, वैसे सेम टू सेम मैंने जो ना गाइस यहाँ पे आपको ये वाले रॉकेट भी दिखा दिए, और ये जो ना डायनोस को फ्रीज करने का काम करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है। एंड अगले एपिसोड से जो ना गाइस वापस से हमारी टेमिंग चालू हो जाएगी, बॉस फाइट जो ना गाइस उसकी वीडियो अभी फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म हो चुकी है। एक फाइनल बॉस गाइस बचा हुआ है, उसको जो ना गाइस कुत्ते की मौत मारेंगे अपन, कुत्ते की मौत, उसकी जो ना गाइस हवा टाइट करके रख देंगे बेस के आगे। लेकिन अभी नहीं गाइस, आने वाले लगभग 10-12 दिनों में, क्योंकि अभी जो भी बचे हुए डायनोस है ना गाइस प्राइमल फेयर के, वो सबसे पहले मैं टेम करूंगा। एंड उसके बाद डायरेक्टली जो ना गाइस फाइनल बॉस फाइट यहाँ पे 100x वाले एपिसोड की 10-12 दिन बाद होगी, और वहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि अगला वाला जो डायनो है ना गाइस वो मैं कौन सा टेम करूँ, आप क्या चाहते हो मैं कौन से डायनो को अगली बार जो ना गाइस यहाँ पे टेम करूँ, मतलब अगले वीडियो में टेम करूँ। नीचे कमेंट करके बताना आप जिस डायनो का नाम लोगे उस डायनो को मैं जो ना अगले एपिसोड में टेम कर लूंगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, सर्वाइवल बोल का प्राइमल वेरिएंट एक्स का, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.